नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर 20 व 21 अगस्त को 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 तरह की प्रतियोगिता होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के केसरी उत्तर प्रदेश कुमार वीर अभिमन्यु कुमार होगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश केसरी होगा उनको 1 गदा 1,01,000 रुपये व द्वितीय स्थान पर जो उत्तर प्रदेश केसरी होंगे उनको 51,000 और उत्तर प्रदेश कुमार होंगे 1 गदा व 51,000 रुपये और उपविजेता को 25,000 और वीर अभिमन्यु कुमार होंगे उनको 51,000 रुपये व 1 गदा। इसके अलावा उपविजेता को 25,000 रुपये दिया जाएगा और सभी प्रतिभाग करने वाले पहलवानों को 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन महापौर के द्वारा किया जाएगा और समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह ने कहा, जो 20 और 21 तारीख को नाग पंचमी के अवसर पर 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रुप में कुश्तियाँ होंगी। एक उत्तर प्रदेश केसरी होगा और एक उत्तर प्रदेश कुमार होगा और तीसरा वीर अभिमन्यु कुमार। इसमें बताते हुए बहुत हर्ष है कि जो विजेता होंगे उत्तर प्रदेश केसरी उनको 1 गदा साथ में 1,01,000 रुपये और जो द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश केसरी रहेंगे उनको 51,000 रुपये, उत्तर प्रदेश कुमार होंगे उनको 1 गदा और 51,000 रुपये साथ में जो उसके उपविजेता उनको 25,000 और वीर अभिमन्यु कुमार होंगे उनको 51,000 और 1 गदा और जो उपविजेता होंगे उनको 25,000 रुपये। इसके अतिरिक्त जो भी पहलवान इसमें प्रतिभाग करेंगे लड़ेंगे उनको प्रत्येक पहलवानों को 500 रुपये नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय मेयर साहब के द्वारा किया जाएगा और समापन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा।